जो पीछे जो टीवी लगा है ना, जो पीछे जो टीवी लगा है, जो भी तू सीरियल देखती है या कुछ भी करती है, तुम उसका वॉल्यूम को कम से कम 70 से 80 बना दो। वॉल्यूम हमारे टीवी में चलता है। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल, और आप सभी को फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टूडेंट फरमाइश पे। स्टूडेंट फरमाइश को जो लोग पहली मरतबा वीडियो देख रहे हैं, पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर्स बनाइए दोस्तों। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप सभी के सामने हूँ, और कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा जो कि कोई नहीं करता है। वो चीज़ें शर्माते हैं लोग डिस्कस करने के लिए, बट मैं तो बेशर्म ही हूँ, आप समझ सकते हैं, और मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या है दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि SBI क्लर्क मेंस जो एग्ज़ाम हुआ था 5 तारीख को, शायद 5 को हुआ था, हाँ 5 को हुआ था, तो उसका रिजल्ट अब डिक्लेयर हो चुका है। उसका रिजल्ट तो वो PDF फॉर्मेट में डिक्लेयर हुआ था, अब उसका स्कोर कार्ड रिलीज हुआ है। और मैं बता देता हूँ कि ये घंटी वाला ऑप्शन को दबाना मत भूलिए, ठीक है। ये घंटी जैसे दबाएंगे तो आपका जो जो आपने जो चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो कोई भी नया वीडियोज़ आता है तो नोटिफिकेशन आपको वगैरह बराबर मिल जाएगा। देखिए, ये मेरा मार्क्स है। काफ़ी बच्चों का ये सवाल था कि सर आप पास हुए या नहीं, आप हमें गाइड कर रहे हैं, आप पास हुए कि नहीं। अब दो प्रकार के बच्चे होंगे, एक तो वो बोलेंगे कि यार तू खुद पास नहीं किया है और हमें क्या गाइड करेगा, ठीक है, मैं उन लोग को एक्सेप्ट करता हूँ, आप लोग बोल सकते हैं, आप लोग आपकी यार राइट है, आप बोल सकते हैं। और दूसरे प्रकार के बच्चे होंगे कि यार सर कोई बात नहीं, आप करिए, आप अपना काम करिए। तो आप लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं, मैं उस पर मैटर नहीं करेगा, क्योंकि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि मैं बेशरम ही हूँ। तो मैं कुछ चीज़ें इसलिए डिस्कस करूँगा दोस्तों जो कि काफ़ी लोग डिस्कस नहीं करते हैं। चलो, सक्सेस कैसे पाना है, कैसे दिलाना है, कैसे क्या करना है, वो तो सब हर कोई बताएगा, लेकिन फेलियर होने के बाद किस चीज़ के लिए फेलियर हुआ, मैं क्यों नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि देखो, अगर कोई बंदा मेंस एग्जामिनेशन में बैठता है तो वो बराबर होता है दूसरे कैंडिडेट के साथ भी, ठीक है। तो किसी का कुछ ज़्यादा अच्छा लक हो, या किसी ने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाया हो, तो वह ऐसे आदमी लोग क्या करते हैं, आदमी नहीं बोलूँगा, ऐसे स्टूडेंट्स लोग पास हो जाते हैं। लेकिन मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या ऐसा किया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। आप सभी को पता होगा कि आशीष कुमार सिंह है मेरा नाम, और छत्तीसगढ़ से डाला था, जनरल कैटेगरी हूँ, जनरल कैटेगरी। और टोटल मार्क्स मैंने जो ऑब्टेन किया है दोस्तों 78.05, छत्तीसगढ़ का कट ऑफ देखिए 91.5, तो तकरीबन 13 मार्क्स से मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया। अब देखिए, मुझे तो बोला गया कि यार तेरा सिलेक्शन होता है तो तब जाके तू मार्क्स दिखाता है, सिलेक्शन नहीं होता तो कहीं गायब हो जाता है। अजीब अजीब बातें करते हो यार लोग, ऐसा नहीं है। देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैं कुछ बोलूँगा तो आप लोग बोलोगे कि ये सब बहानाबाजी है, बट बता ही देता हूँ आपको दोस्तों, जैसे कि आपको पता है बेशरम ही हूँ मैं, आप कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए, मैं जिस दिन एग्जामिनेशन देने गया था, और होता है ना जो बायोमेट्रिक होता है, आपको पता होगा, जस्ट अ मिनट, इसको अगर मैं ड्रॉ कर सकूँ, ड्रॉ हो जा, ओके, तो ये क्या हो गया, ओके, जैसे आप सभी को पता होगा कि बायोमेट्रिक होता है, मान लो यहाँ पे बायोमेट्रिक हुआ, ठीक है, और बगल वाले कंप्यूटर में ही मुझे मिल गया बायोमेट्रिक के, बायोमेट्रिक यहाँ पे हुआ, जो होता है ना थंब इम्प्रेशन वगैरह लगाते हैं, और साइड के कंप्यूटर में ही मुझे मिला कि एग्जामिनेशन तू दे बेटा। तब ही मैं समझ गया कि यार डिस्टर्बेंस तो होने ही वाली है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता होगा कि ये जो बायोमेट्रिक के बगल में जो कंप्यूटर रहता है, और इतना बड़े हॉल में जो लास्ट में जो कंप्यूटर रहेगा, इस बंदे तो आराम से लिखेगा। अब ये बंदा जो यहाँ पे बैठा, अब ये बायोमेट्रिक तो हो गया, एग्जामिनेशन स्टार्ट होगी, अब ये टीचर्स लोग आके यहाँ पे चाय पियेंगे, यहाँ पे कुछ बातें करेंगे। मैंने एक बार बोला भी कि सर आप थोड़ा सा ये हो जाइए, हट जाइए, क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है, तो उन्होंने एक बार हटा। फिर कितने टीचर्स को मैं बोलूं यार, आप मसलन एक रूम में कम से कम 5 टीचर्स होंगे, इनविजिलेटर्स जो कहते हैं, एग्जामिनर्स वो होंगे, मैं एक एक करके तो सबको नहीं बता सकता। सो आई वॉज डिस्टर्ब्ड, मैं डिस्टर्ब्ड हो गया, और शायद इस चक्कर में मैं ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाया। मैं आपको बताया था मैंने 90 अटेम्प्ट किया था, और कट ऑफ गया है 91, तो आप इससे क्या उम्मीद करोगे।
ठीक है। तो दोस्तों मैं इतना कहूँगा कि मैंने जो अब आपको रीज़न दिया, कई बच्चे तो सोचेंगे कि बहाना कर रहा है, कई बच्चे सोचेंगे कि हाँ ये मेरे साथ भी होता है, कई बच्चे सोचेंगे कि यार कुछ नहीं, यार ऐसे बच्चों का मुझे कुछ लेना देना नहीं है, आप जो सोचना है सोचिए, बट फ्रेंकली स्पीकिंग दोस्तों, आई लिसन टू मी, मैं कुछ बोलूँगा इसको ध्यान से सुनिए, लिसन टू मी, आई जेन्यूनली एक्सेप्ट माई फेल्यूर, मैं अपनी जो हार है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। अब ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, आप अपना हार को स्वीकार करिए, चाहे आप एक मार्क से भी कट गए हों, या आपको कोई गोली मार दिया और आपने फिर भी एग्जामिनेशन दिया, फिर भी आप हार गए, हार तो हार ही होता है, ठीक है, तो उसका कुछ बहाना नहीं होता दोस्तों। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये एक्चुअली एक प्रकार का बहाना ही होगा, तो इसलिए मैं इसको काउंट नहीं करूँगा, तो मैं बोलूँगा कि हाँ हार हुआ तो हार हुआ, ठीक है, कोई परवाह नहीं, हार हुआ ठीक है, हार है ये, मानता हूँ चाहे जिस भी कारण के लिए हो, बट हार है तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस हार को, कोई इशू नहीं। अब सीखने को क्या मिलता है, मैं आपको बता देता हूँ सीखने को क्या मिलता है, अब रुक जाइए, अब देखिए सीखने को ये मिलता है दोस्तों, ये पेन का इश्यू है दोस्तों, वेट ए मिनट, अब सीखने को ये मिलता है मुझे कि इसके बाद क्या हुआ, सिनारियो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद से मैं अपने मम्मी को मैं ये बोल रहा हूँ कि मम्मी जो पीछे जो टीवी लगा है ना, जो पीछे जो टीवी लगा है, जो भी तू सीरियल देखती है या कुछ भी करती है, तुम उसका वॉल्यूम को कम से कम 70 से 80 बना दो। वॉल्यूम हमारे टीवी में चलता है 30 से 40 में। मैंने अपनी मम्मी को बोल रखा है कि इस बार जब मैं एग्जामिनेशन दूंगा मेरे स्टडी रूम में, उसके ठीक में एक दरवाज़ा लगा है, फिर ये ड्राइंग रूम सा है, मैंने बोल रखा है कि आप जब अब कुछ भी मूवी देखो या कुछ भी करोगे तो इस बार वॉल्यूम तेज़ कर देना, इस बार वॉल्यूम जो 30 40 में चलाते थे अब 70 80 हो सके तो 100 भी लगा देना, ऐसे इतने वॉल्यूम हाई में तुम देखना जब तक मैं टेस्ट दे रहा हूँ, मैं बोलूँगा मैं ऐसा क्यों किया। सेकंड चीज़, अब सिनारियो ये भी बना दोस्तों कि मैंने ये भी किया, ये भी करता हूँ ऑब्वियसली, फ़ैन जो होता है ना, फ़ैन जो स्टडी रूम में जो फ़ैन लगा है, उस फ़ैन को मैं जानबूझ के बंद कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। अब ये सब चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ, ये हरकतें क्या है, सबसे पहला ये है कि टीवी को जानबूझ के वॉल्यूम हाई करके टेस्ट सीरीज देना, आई विल बी एडेप्टेबल टू दिस कंडीशन, मैं इस परिस्थिति के साथ वाकिफ होना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई गारंटी नहीं दे सकता कि फिर से मुझे बगल वाले सीट मिल जाए बायोमेट्रिक के, वहाँ पे टीचर लोग आके बातें करें, तो डिस्टर्बेंस तो होनी ही होनी है, किसी रूप में भी होनी ही होनी है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे प्रिपरेशन होके ना जाऊँ जो कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस को मैं फेस ना कर सकूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि जितना हो सके आप हाई लेवल वॉल्यूम दे दीजिए, उसके साथ मैं प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिस करके गया तो कल अगर 50 आदमी भी यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ढोल नगाड़े भी पीट दें, उसके बाद भी मैं एग्जामिनेशन देने के लिए लायक रहूँगा। अब दूसरा चीज़ क्या है, फ़ैन वगैरह बंद कर देना, अब बहुत सारे देखो आप हंसोगे इस बातों पर, लेकिन ये फैक्ट है, जो दिल टू दिल, दिल से दिल जो कनेक्ट वाली बात है ना, मैं यही बताता हूँ दोस्तों। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी एग्जामिनेशन में फ़ैन ना चले, या आप जहाँ पे बैठे हैं फ़ैन बहुत दूर में है, किसी किसी को तो ऐसा भी एलर्जी टाइप कहूँगा, जैसे कि मुझे ही है कि अगर फ़ैन ना रहे ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं जानबूझ के फ़ैन इसलिए ऑफ कर रहा हूँ ताकि पसीना हो, जितना पसीना होना है होना हो, उस दौरान भी मैं मौक देना चाहता हूँ। अब इससे क्या होगा दोस्तों, जैसे आप भी कर सकते हैं, जितना एडवर्स कंडीशंस, सुनिएगा, जितना आप एडवर्स कंडीशंस में चीज़ों को करेंगे उतना आप मतलब बहुत स्ट्रांग होके निकलेंगे, आगे चल के ऐसे गलती नहीं होगी। तो ये फ़ैन बंद कर देना, टीवी के वॉल्यूम हाई करवा देना, फिर जो चाहे आप कर सकते हो, तो वो चीज़ों के साथ आप करिए प्रैक्टिस, ऐसा नहीं है कि यू लैक नॉलेज, यू लैक दैट कंडीशन, ऐसा होता है कि हमेशा दी कंडीशंस विल नॉट बी फेवरेबल दोस्तों, तो इसलिए आप जितना हो सके आप एडवर्स कंडीशंस के साथ जूझिए, एडवर्स कंडीशंस में जितना जूझेंगे उतना आप निखर के आएंगे, जितना बिखरोगे ना उतना निखरोगे, मैं बार बार ये चीज़ों को बता रहा हूँ दोस्तों। तो ये
एक चीज़ तो मुझे सीखने को मिला है और वो चीज़ मैं कर भी रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि कुछ चीज़ें सवेरे सवेरे जो बाबा लोग आते हैं टीवी में और भाषण देते हैं, ऐसे ही समझ लेना इस चीज़ को। तो होप सो गाइज यू एन्जॉय दिस वीडियो, यू एन्जॉयड दिस वीडियो। तो अगर आपको पसंद आया तो शेयर करिए दोस्तों, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, जो डेली ड्रिल है उसको कंप्लीट कीजिए। कमेंट वगैरह तो करेंगे ही, मैं आपका कमेंट्स का रिप्लाई देता ही हूँ। कल जैसे एक वीडियो बनाया था तो कम से कम यार मुझे कल 100 मेल्स आए हैं, रात को 9 बजे तक 50 मेल, और पूरा तकरीबन पूरा सवेरे 4-5 बजे तक और 40-50 मेल्स। यानी आई एम वेरी हैप्पी दोस्तों कि आप अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कमेंट से ज़्यादा मेल्स मुझे आ रहे हैं। दिस शोज दैट यू आर रियली कंसर्न अबाउट योर एग्जामिनेशन। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों दैट दिस इज़ द लास्ट अपॉर्चुनिटी दैट IBPS इज़ प्रोवाइडिंग नाउ, बिकॉज IBPS क्लर्क इज़ अराउंड द कॉर्नर। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू फील कॉन्फिडेंट। एंड मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, एग्जामिनेशन ज्ञान से नहीं, एग्जामिनेशन भावनाओं से निकलती है। मैं आपको बता देता हूँ, एग्जामिनेशन ज्ञान से नहीं दोस्तों, एग्जामिनेशन आप भावनाओं से निकाल देंगे। एग्जामिनेशन आप जितना कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप 50 की जगह 60 करके आएंगे। तो आप हमेशा ऐसा कुछ करिए जिससे कि आपको कॉन्फिडेंट फील हो। और मुझे लगता नहीं है कि कोई और रास्ता है, एक ही रास्ता है, मॉक और मॉक एंड मॉक। जितना आप मॉक टेस्ट देंगे, जितना आप टेस्ट सीरीज देंगे, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, यू विल बी रीच इन कॉन्फिडेंट, एंड दिस कॉन्फिडेंट विल मेक यू ऑल थ्रू द एग्जामिनेशन। ओके, सो आई होप गाइज दैट यू एन्जॉयड दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपने सब्सक्राइब तो कर लिया होगा, उसके बाद ही वीडियो देखा होगा दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।